सुनो कान खोल के, पूरे भारत के लोगों, जो लोग दूध में मिलावट कर रहे हैं, जो लोग कॉस्मेटिक के सामान में मिलावट कर रहे हैं, जो मिठाइयों में मिलावट कर रहे हैं, जो खाने पीने के सामान में मिलावट कर रहे हैं, जो खेतों में ज्यादा यूरिया डाल के मिलावट कर रहे हैं, दिल थाम के सुनो, आज अगर तुम ईमानदारी के साथ कारोबार करना शुरू कर दोगे तो बेईमानी के बाजार में सबसे ज्यादा ग्राहक तुम्हारी हट्टी के ऊपर होंगे। शर्त यह है कि तुम जैसे नजर आते हो वैसे ही ईमानदारी का माल देने वाले बन जाओ। अगर तुम गैरतमंद बन जाओगे तो आज भी कामयाबी तुम्हारे लिए किसी और तरफ गाहक नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इस बात को तो जहन से निकाल दो कि जी दुनिया खराब हो। दुनिया नहीं खराब हुई, हम खराब हैं। अपने गुनाह का इल्जाम लोगों पर ना डालो, अपने गुनाह का इल्जाम दूसरों पे ना डालो। हम बेगैरत हो गए हैं। अपनी गैरत को हर मामले में उजागर रखिए। सिर्फ मजहबी मुकामात के मामले में ही गैरत आती है, घर के अंदर भी मजहब के मामले में गैरत हो, जिस्म के अंदर भी मजहब के मामले में गैरत हो, आंखों में भी मजहब के मामले में गैरत हो, जुबान में भी मजहब के मामले में गैरत हो। कई लोग अपनी जुबान से दूसरों की छाती फूंकना चाहते हैं, ये कोई गैरतमंद थोड़ी है, ये बेगैरत है। अगर ये गैरतमंद होते इनमें ताकत होती कि अपनी गंदगी अपने अंदर जज़ब कर सकते, ये बेगैरती का ही तो इजहार है कि इनके अंदर ताकत मौजूद नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर काम में अगर झूठ बोले तभी चलेगा। एक वकील साहब फखरुद्दीन उनका नाम था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसी दौर में हुआ करते थे, और लिख के लगा दिया कि भाई मैं ईमानदारी के ही मुकदमे, मतलब जिनके साथ जुल्म हुआ उसी तरफ रहूंगा, दूसरी तरफ का मुकदमा नहीं लूंगा। तो आना आहिस्ता आहिस्ता काम आना बंद हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने लोग आने लगे कि अदालत में जब जाते थे तो उनकी हिमायत में फैसला हो जाता था। क्यों? क्योंकि जज साहिबान को भी पता था कि ये मुकदमा पढ़ के आया है, ये गलत मुकदमा लेगा ही नहीं, तो फिर इसको हराया कैसे जा सकता है। कि एक बुजुर्ग को किसी ने कहा कि दुकान से गुजर रहे थे गोश्त वाले की, कहने लगा से गोश्त ले जाओ, फरमाने लगे नहीं मेरे पास आज पैसे नहीं है। तो बड़ा बंदा बढ़िया था, कहने लगा सर फिर क्या हुआ पैसे नहीं है, आप मुझसे उधार कर लीजिए, गैरतमंद बंदे थे ना। फरमाया अच्छा तुझसे जो उधार करूं तो अपने पेट से ना उधार कर लूं, अपने घर की हांडी से ना उधार कर लूं, ये जो तेरे आगे हाथ फैलाऊंगा मैं कि मुझे इतने पैसे उधार दे दो, फलां काम मुझे करना है, मैं अपने लिबास के साथ, अपने घर के साथ, अपनी सवारी के साथ, अपने साइकिल के साथ, अपने बर्तन के साथ, अपने पेट के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ना उधार कर लूं, ताकि उनको भी पता हो कि मैं गैरतमंद मर्द हूं, ताकि मेरी औलाद के अंदर भी गैरत आए, बच्चों के अंदर भी गैरत आए। ये क्या बात हो गई, बाहर में बेगैरती की तरह हाथ फैलाता बोलूं, औलाद को बोलूं कि आराम से अय्याशी करो तुम। गैरत महंगी चीज है, खानदानी लोगों के पास होती है। अच्छा आप सोचते हो खानदानी कौन, जिसका कोई महल हो कोठी हो? आप सोचते हो खानदानी वो जो बहुत बड़ा मौलवी हो? ओ नहीं नहीं, खानदानी गैरतमंद वो होता है जो बदतरीन हालात में भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। खानदानी गैरतमंद वो होता है जो अपने बच्चों के साथ जो गुजारा अगर मुश्किल में करता है तो लोगों को पता नहीं लगने देता। खानदानी गैरतमंद वो होता है कि जब किसी से नाराजगी होती है तो उसके मुतालिक गंदी बातें नहीं करता। खानदानी गैरतमंद वो होता है जिसके पास ताकत हो लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करता। खानदानी होने के लिए कोठी गाड़ियों की जरूरत नहीं है, दिल का अमीर होना ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को जहन नशीन रखें कि जिंदगी गुजारनी है गैरत के साथ, गैरत से जिंदगी गुजारे हर बंदा, चाहे किसी मजहब के साथ ताल्लुक रखता हो। बेगैरती की जिंदगी कोई जिंदगी है?
आप ये देख लो पूरी दुनिया में आज से भी, आज भी सबसे महंगी चीज क्या है, और आज से पहले रसूलुल्लाह ने किस चीज का दर्द दिया। रसूलुल्लाह के वक्त बेहयाई थी, रसूलुल्लाह जब आए तो बच्चियों को कत्ल किया जाता था, रसूलुल्लाह जब आए कालों को मारा जाता था, रसूलुल्लाह जब आए गरीब को आगे नहीं आने दिया जाता था, तो सारे लोग परेशान थे। रसूलुल्लाह ने गैरत का ही तो सबक दिया, रसूलुल्लाह ने गैरत से ही तो जीना सिखाया, हमें गैरत का ही तो दर्स दिया, पूरी दुनिया के लोगों को समझाया। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही, जो खाना लुकमा हराम हो, जिसके बाद चलने फिरने में, सर उठा के चलने में शर्म महसूस होती हो, तो वो रिज़्क रिज़्क नहीं है। बड़ी गैरत किसी को, अगर कोई नौज़बिल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कोई बात कहे, किसी अपनी इबादतगाह के मुताल्लिक, तो बंदे को गुस्सा आता, इसी का नाम गैरत है। ये गुस्सा तब भी आना चाहिए जब आप अपनी जात के साथ कोई बेगैरती करने लगो। दूसरों को बेगैरत कहना आसान है, कभी बैठकर चंद मिनट ये भी सोचे क्या मैं भी गैरतमंद हूं कि नहीं हूं। दूसरों को कहना आसान है गैरत बेगैरत, वो किसी शायर ने बहुत अच्छा शेर लिखा था बचपन में, हमने एक दफा पढ़ा उस, वो कहता है कि खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, उन्हें पर्दा नहीं आता, इन्हें गुस्सा नहीं आता, तो दोनों ही बड़े गैरतमंद है। वेस्टर्न की तरफ जो अंग्रेजों ने समझाया, साढ़े पंजाबियों भी लत लगी है कि अंग्रेज बनो फटाफट, ओना वर्गे कपड़े, ओना वर्गा विया, ओना वर्गी चाल, ते अंग्रेज की करते हैं जी। अंग्रेज क्या करते हैं, मां बाप को घर से निकाल देते हैं, या मां बाप अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं, अपने पपी को, पपी समझते हैं, अपने कुत्ते को अपनी रजाई में लेके साथ में सोते हैं। जिनकी आदतें आप अपनाना चाहते हो वो तो अपने मां बाप को छोड़ के एक जानवर को अपने बिस्तर में सुलाते हैं, तो ये क्या अच्छी रिवायतें आपके पास नहीं, जिसमें मां बाप आखिरी वक्त तक सर का ताज बन के आपके सर के ऊपर बैठे हो, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती। तो गैरतमंद बने रिजक के मामले में, माशरे के मामले में, पहनावे के मामले में। अब अकेली औरतें ही आप कहते हो कि औरतें चलो ब्याह में बेपर्दा, ते बंदे हम लोग क्या कभी अपना लिबास देखा है, अपनी शक्ल देखी है? वो गैरतमंद मर्द होता है। बहुत सारे लोगों को मेरी बात शायद ना गवारा गुजरे, लेकिन जो गैरतमंद होता है ना, दाढ़ी वही रख सकता है, कमजोर आदमी के बस की बात नहीं है कि चेहरे के ऊपर दाढ़ी रख ले, गैरत होनी चाहिए ना। ताकतवर आदमी जिसका दिल अंदर ताकतवर हो वही अपनी निगाहों की हिफाजत कर सकता है। ये तो ठीक है कि इस्लाम ने कहा कि औरत पर्दा करे, पर इस मर्द को भी कहा उसी कुरान पाक में और नबी अलैहिस्सलाम ने भी कि तू भी गैरतमंद बन जा, औरतों को तो पर्दे का हुक्म दिया दिया, तुझे पहले बताते हैं कि अपनी निगाहों को नीचा रखा कर ताकि ये गैरत वाली निगाहें हों, बेगैरती की तरह लोगों की बेटियों की तरफ ना देखा करें। नमाज में भी लज्जत तभी आनी है जब आप गैरतमंद होंगे, रिजक भी तभी चलेगा। अपने आप को जरूर एक दफा चेक करना है और दुआ कीजिए। हर बंदे में गैरत होती है, औरत में, मर्द में, बच्चों में, हर बंदा डिग्निटी चाहता है अपनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद एतमादी होनी चाहिए, हर बंदे का आत्म सम्मान बहुत जरूरी चीज है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल